दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, देखिए दोस्तों पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा होता क्या है। देखिए पास्ट मींस होता है भूतकाल और परफेक्ट मींस होता है पूर्ण या पूरा और टेंस मींस होता है काल या समय। ये देखिए तो दोस्तों इसको इस प्रकार से हम लोग कहते हैं कि हमारा कोई भी कार्य जो हमारा पास्ट टेंस में पूर्ण हो गया, पूरा हो गया है, उसको हम मानेंगे हमारा वो पास्ट टेंस के अंतर्गत हमारा आ रहा है। देखिए दोस्तों पास्ट को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट भी। कंप्लीट मींस क्या होता है कि हमारा कोई काम जो होता है हमारा पूर्ण या पूरा हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से कह सकते हैं कि इसमें हम भूतकाल में जो है किसी कार्य का पूरा होना पाते हैं। देखिए इसकी पहचान खास करके हमारी क्या होती है, पहचान इसमें आता है चुका था। देखिए दोस्तों जब कभी भी पास्ट आएगा इसका मतलब हमारा क्या है, कोई भी हम बीते हुए समय की बात करेंगे हमेशा। चुका था, चुकी थी, चुके थे और यहाँ लिखा है या था, ई थी और लिखा ये थे। देखिए दोस्तों जैसे हमने कहा वह खाना पका चुका था, वह खाना पका चुकी थी, वे खाना पका चुके थे, यहाँ भी कह सकते हैं वह चला गया था, वह चली गई थी, वे चले गए थे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इसमें हम लोग कोई भी जो है हमारा वो भूतकाल में पूरा काल का पूरा होना पाते हैं। तो देखिए दोस्तों खास करके हमारा जो ये पास्ट टेंस होता है परफेक्ट का, इसमें हमारे तीन तरह से नियम होते हैं। सबसे पहले जो होता है हमारा यहाँ पर आता है, यहाँ पर इसको हम बोलते हैं इसका सिंपल रूल। ये देखिए तो दोस्तों इसमें खास करके हमारा एकदम सिंपल रूल आता है। इसमें हम लोग सिर्फ जो है कार्य का मतलब पूर्ण होना दिखाते हैं, इसमें कोई खास करके हम पहले और बाद की बात नहीं करते हैं। देखिए इसके लिए हमारा अगर अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं तो इसमें हमारा आता है सब्जेक्ट, उसके बाद में आता है हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ETC। ये देखिए दोस्तों जब कभी भी हमारा कोई भी टेंस यदि परफेक्ट में है तो उसके साथ में हमेशा हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। तो देखिए दोस्तों ये जो हमारा सिंपल है तो इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जिससे कि हमको जो है आगे समझने में दिक्कत ना हो। तो देखिए दोस्तों खास करके हम ये समझ लेते हैं कि हमारा देखिए इसमें सहायक क्रिया जो है हेल्पिंग वर्ब जो हमारा है वो एक ही है, तो इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हमें मतलब सब्जेक्ट के अनुसार से कौन सी सहायक क्रिया लगाना है, इसमें सहायक क्रिया हमारी एक ही है। और दोस्तों वर्ब के थर्ड फॉर्म के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, जहाँ जा करके आप लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म सही प्रकार से याद कर लीजिएगा। तो देखते हैं इस एग्जाम्पल को हम लोग, जैसे लिखा गया है वह खाना पका चुकी थी। ये देख लीजिए वह खाना पका चुकी थी। देखिए दोस्तों सबसे पहले इसमें देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट लिखा गया हुआ। अब देखिए इसके द्वारा काम जो होता है उसको हम बोलते हैं वर्ब। इसने कौन सा काम किया, उसने खाना पकाने का काम किया, इसको हम बोलते हैं वर्ब, जिसे हम बोलते हैं MV मतलब मेन वर्ब। और क्या पकाई, देखिए क्या से निकलता है हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसमें देखिए हमारा खास करके तीन चीज़ मिल रहा है आपको, सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिला, ऑब्जेक्ट मिला। और जो हमारा ये होता था थी थे, ये मानते हैं खास करके हमारा टेंस की दिखाता है पहचान कि हम लोग टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। देखिए दोस्तों ये जो हमारा था थी थे होता है ही होता है गागी की होता है, ये सिर्फ दिखाता है हमारा टेंस की पहचान, खास करके यही करता है कि हमारा कोई भी काम जो हो किस काल में हो रहा है, किस काल में हो चुका था। तो देखिए सबसे पहले इसका सब्जेक्ट हमारा आएगा यहाँ पे सी, उसका सहायक क्रिया आएगी हेड। ये देखिए उसका देखिए दोस्तों हमारा वर्ब जो होता है फर्स्ट फॉर्म होता है हमारा पकाने का कुक और थर्ड फॉर्म होता है इसका कुक्ड, तो सी हेड कुक्ड द फूड, उसने खाना पका लिया था। तो फर्स्ट फॉर्म तो हम लोग यूज करेंगे नहीं, इसको यहाँ से कर देंगे रिमूव, यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग थर्ड फॉर्म। तो देखिए दोस्तों नॉर्मली जो हमारा इसी प्रकार से हो जाएगा, इसमें कोई भी अगर हम बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कहा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कुछ और, अभी इसमें हमने कहा मैं उसे पढ़ा चुका था, ये मैं उसे पढ़ा चुका था, तो इसके लिए आएगा सब्जेक्ट में आएगा आई हैड। देखिए दोस्तों पढ़ाने का फर्स्ट फॉर्म जो होता है इंग्लिश में हमारा होता है टीच और इसका थर्ड फॉर्म होता है टॉट, तो इसको जाएगा हमारा काट देंगे हम लोग आई हैड टॉट हिम, या बोलेंगे इसको हम लोग हर, मैं उसे पढ़ा चुका था। तो देखिए दोस्तों नॉर्मली इसको जो इसी प्रकार से हम लोग कर लेते हैं, यदि इसको नेगेटिव बनाते हैं सेंटेंस को, देखिए ये हमारा नॉर्मली पढ़ लेते हैं, इसको उतना ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन जानना जरूरी सबके लिए होता है।
देखिए निगेटिव में जो होता है यहाँ पे, निगेटिव में देखिए बताया गया था पीछे आपको सहायक क्रिया के बाद में हमेशा जो होता है हमारा वो नॉट आता है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा हमारा। यदि चेंज करते हैं निगेटिव सेंटेंस, इसी में जैसे हमने कहा मैं उसे नहीं पढ़ा चुका था, उसे नहीं पढ़ा चुका था, देखिए हो गया हमारा। तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना आपको, बस निगेटिव हमें कहाँ लगा ला करके लगा देना सहायक क्रिया के बाद में। आई हैड नॉट टीच हिम, आई हैड नॉट टॉट हिम, देखिए दोस्तों थर्ड फॉर्म यूज़ करना, हम यहाँ पे टॉट आएगा इसके लिए हमारा टीच नहीं आएगा। तो निगेटिव में कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों आपको, इसका समझते हैं थोड़ा सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी, जिससे कि आप लोग को जैसे प्रॉब्लम ना हो इसमें। इसको कर देते हैं अभी हम लोग रिमूव, इरेज कर दे रहे हैं बढ़िया से, जिससे कि आप लोग को साफ साफ बढ़िया सब कुछ दिखे जो कुछ पढ़ाया जाए। देखिए इसका पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग, इसमें पढ़ते हैं यस या नो टाइप सबसे पहले हम लोग। देखिए इसको बोलते हैं वाक्य में क्या पहले आए, तो आए तो देखिए दोस्तों इसमें वाक्य में क्या पहले आएगा। देखिए जब कभी भी आपको किसी भी हिंदी के सेंटेंस में वाक्य में आपको वाक्य में क्या पहले मिलता है, तो सबसे पहले जो होता है उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आता है, सहायक क्रिया आती है, उसके बाद में आता है सब्जेक्ट, और इसके बाद में आता है मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो भी होगा हमारा यहाँ पे वर्ब, और इसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ETC, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यदि सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो हमारा नॉट कहाँ आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आएगा। ये देखिए दोस्तों जैसे हमने एग्जांपल को लिखा, हमने कहा क्या वह स्नान कर लिया था, देखिए कर लेंगे इसको हम लोग, ये कर लिया था या कर चुका था बात एक ही है। तो देखिए दोस्तों इसमें हम क्या क्रिया लगाएंगे, सबसे पहले सहायक क्रिया यहाँ पे हाइड, इसके लिए व्हाट नहीं आएगा, उसका सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे ही, नेगेटिव नहीं छोड़ देंगे हम लोग, वर्ब हमारा आएगा यहाँ पे स्नान करने को था हमारा टेकन आ बाथ। ये देखिए दोस्तों लास्ट में क्वेश्चन मार्क, देखिए टेकन आ बाथ बोलेंगे चाहे बोलेंगे इसको हम लोग बाथड, ये भी सही, क्या उसने स्नान कर लिया था। तो देखिए दोस्तों इंट्रोगेटिव में कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसमें आप लोग को, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके लिए अब, क्योंकि हम लोग को अभी आगे पढ़ना है इसको डीपली बढ़िया से। अब देखिए दूसरा इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं, इसके लिए हम लोग WH टाइप पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा, वीडियो बड़ी अच्छी होने वाली है आप लोग के लिए, और सबको समझ में बढ़िया आप लोग को आएगा, पूरा सेंटेंस जो पढ़ा जाएगा आपको। देखिए पहले पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे अब WH टाइप, इसके लिए अब WH टाइप, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द, शब्द वाक्य के बीच में आए तो, बीच में आए तो। देखिए दोस्तों इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड जो है, प्रश्न शब्द जो है वो हमारा वाक्य के बीच में आएगा, तो लेकिन हमारा ये इंग्लिश में कहाँ पे है, ये पहले सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड के रूप में। तो देखिए दोस्तों इसमें जब कभी भी हमारा हिंदी के सेंटेंस में कब क्यों कैसे कहाँ कितना कितने करके आता है, तो जो उसकी हमारी इंग्लिश होती है वो सेंटेंस में सबसे पहले आकर के यहाँ पर लिखी जाती है। जैसे लिखा हमने एग्जाम्पल में यहाँ पर, हमने लिखा वह कल यहाँ क्यों आया था, ये देखिए दोस्तों वह कल यहाँ क्यों आया था, सबसे पहले इसके लिए हमारा क्वेश्चन वर्ड आएगा वाई, जो कि हमारा पहले आएगा वाई, उसके बाद में आएगा हैड, वाई हैड, और उसके बाद देखिए सब्जेक्ट हमारा आएगा यहाँ पे ही, निगेटिव में छोड़ देंगे हम, और हमारा क्या है कम हेयर, जी वह यहाँ वाई हैड ही कम हेयर, वाई यहाँ कल क्यों आया था। देख कल के लिए दोस्तों हमारा पास्ट टेंस में हमेशा आता है यस्टरडे, यस्टरडे जी। तो दोस्तों इसको इस प्रकार से हम लोग चेंज कर लेंगे, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा आगे रूल्स में, इसे कर देते हैं अभी हम लोग इरेज। ये नॉर्मली है ये सब बच्चों खास करके आता होगा, लेकिन जो भी आगे पढ़ा जाएगा बहुत कम बच्चे उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों वीडियो को आप लोग पूरी देखिएगा और चैनल को हमें सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे ये वीडियो जो है नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी थोड़ा सा इसका जो है फ़ायदा मिल सके। आगे देखते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस में जो होता है वाक्य में बीच में कभी कभी पहले आता है और कभी कभी बाद में आता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर पहले की बात, देखिए लिखा गया है, नोट लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग, लिखेंगे वाक्य में पहले, देखिए लिख देते हैं ऐसे नोट में हम लोग, वाक्य में पहले आए तो, ये इसमें देखिए वाक्य में पहले आएगा। देखिए जब कभी भी हमारा वाक्य में पहले आएगा तो इसका हमारा जो रूल होता है अफर्मेटिव में वो होता है इस प्रकार से, देखिए सबसे पहले इसमें हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में आएगा हैड,
और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा, और इसका देखें दोस्तों इस पहले के लिए आएगा यहाँ पे बिफोर, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा, और इसके बाद में स्ट्रक्चर लिखते हैं हम लोग नीचे यहाँ पे। उसके बाद हमारा मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ETC, ये देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों जब कभी भी आपको वाक्य में पहले मिलेगा तो इसका स्ट्रक्चर हमारा इस प्रकार से आएगा। देखिए जो पीछे पढ़ाया गया था आपको रूल, ये देख लीजिए पूरा आपका ये वही वाला रूल हमारा जो पढ़ा गया सिंपल में अभी आपको। और उसके बाद देखिए हमारा ये इतना जो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का आ गया है। एग्जाम्पल देखो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, हमने कहा वह, हमने कहा मेरे खाना खाने से पहले, देखिए दोस्तों ये आ गया, से पहले राम वहाँ चला गया था। ये इसको पढ़ते हैं हम लोग इस प्रकार से, चला गया था। तो देखिए दोस्तों इसमें दो काम हुआ है, मेरे खाना खाने से ये काम हुआ है और हमारा क्या राम वहाँ चला गया था। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हमारा जो है सेंटेंस में सबसे पहले काम कौन सा हुआ है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले काम ये हुआ है क्योंकि बताया जा रहा है मेरे खाना खाने से पहले राम वहाँ चला गया था। तो दोस्तों जो काम पहले होगा उसको हम बदलेंगे यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस में, जो कि हमारे स्ट्रक्चर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो दोस्तों ये हमारा आएगा यहाँ बोल देंगे इसको हम MBK के वो थर्ड फॉर्म में आएगा, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे पास्ट ये परफेक्ट टेंस में हो जाएगा दोस्तों हमारा ये। और जो इसके बाद में होगा हमारा जैसे हमने कहा मेरे खाना खाने से, इसको हम बदलेंगे मेन वर्ब के सेकेंड फॉर्म में, जो कि हमारा सेकेंड फॉर्म में आएगा और आएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ये देख लीजिए ये आएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो दोस्तों आपको जरा से भी दिक्कत नहीं होगी, देखिए जब कभी भी वाक्य में आपको पहले मिलेगा तो सबसे पहले जो होता है हम बाद वाला जो स्ट्रक्चर करते हैं, बाद वाला हमारा सेंटेंस करते हैं पहले वाले स्ट्रक्चर के इतने से इतने के अनुसार से, और उसके बाद लगाते हैं बिफोर, और जो हमारा पहले वाला होता है वो उसके बाद वाले स्ट्रक्चर के अनुसार से हम लोग कर देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, हमने कहा राम वहाँ चला गया था, इसके लिए आएगा राम हैड, वर्ब आएगा देखिए गो से बनेगा गॉन देयर, राम वहाँ चला गया था बिफोर मीन्स के पहले। देखिए दोस्तों सब्जेक्ट आ गया, हैड आ गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, देन हमारा अदर वर्ड आ गया, फिर बिफोर आएगा उसका सब्जेक्ट देखिए हमारा दूसरा आएगा जो हमारा यहाँ दिया गया, इसके लिए मेरे लिए आएगा यहाँ पे आई, और देखिए हमारा वर्ब कहाँ सेकंड फॉर्म आएगा, इसके लिए क्या आएगा खाना खाने से। देखिए दोस्तों खाना खाने की जो इंग्लिश होती है होता है ईट का, ईट मीन्स होता है खाना खाना, ये फर्स्ट फॉर्म होता है लेकिन हमारा सेकेंड फॉर्म आएगा, तो इसके लिए यहाँ पर आएगा एट आएगा आई एट द फूड। ये देखिए दोस्तों इसको इस प्रकार से कर देंगे, तो देखिए जो हमारा बाद वाला पार्ट है वो पहले हो जाएगा और जो पहले वाला पार्ट हो जाएगा हमारा बाद में। जैसे हमने कहा यहाँ पे वर्षा होने से पहले बच्चे, वर्षा होने से पहले बच्चे अपने घर पहुँच चुके थे, ये पहुंच चुके थे। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हमारा दो सेंटेंस है पार्ट हम करते हैं आप इसको, ये पहला हमारा ये है और दूसरा हमारा ये है। देखिए इसमें भी लिखा गया वर्षा होने से पहले बच्चे अपने घर पहुंच चुके थे। देखिए दोस्तों बताया गया आपको कि पहले हम बाद वाला करते हैं, उसके बाद में पहले वाला करते हैं हम लोग बाद में। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए हम करते हैं आप ये द चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, द चिल्ड्रन हैड पहुँच गए थे, इसके लिए इंग्लिश में आएगा हमारा रीच्ड थर्ड फॉर्म, और कहाँ पहुँचे थे अपने घर। देखिए दोस्तों बच्चों के लिए अपने के लिए आएगा हमारा यहाँ पे डियर होम ये, और इसके बाद देखिए दोस्तों हमारा जो इतना पार्ट तो हो गया, अभी सब्जेक्ट आ गया, वर्ब का थर्ड हेड आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, देन हमारा अदर वर्ड आ गया, उसके बाद हमारा बिफोर आएगा अब बिफोर, और किससे पहले वर्षा होने। देखिए दोस्तों जब कभी बताया गया था पीछे प्रकृति की बात करते हैं मौसम की बात करते हैं तो इसके लिए सब्जेक्ट मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे इट, और मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा रेंड। तो हो गया हमारा पूरा सेंटेंस द चिल्ड्रन हैड रीच्ड देयर होम बिफोर इट रेंड। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से जो हमारा पहले वाला जो होता है स्ट्रक्चर हम लोग समझ लेते हैं, उसे हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसमें हम नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। अब इसे कर दिया हमने रिमूव या इरेज कर दिया इसको हमने। दोस्तों यदि आपको कोई भी दिक्कत समझ नहीं आती तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा आप लोग,
वीडियो फिर से बन जाएगी आपके लोग के लिए और अच्छी बन जाएगी वीडियो। देखिए निगेटिव पढ़ते हैं इसका हम लोग। निगेटिव में दोस्तों कुछ भी नहीं करना, बस लगा देना हाइड के बाद में नॉट, और पूरा का पूरा हमारा स्ट्रक्चर सेम आपका वही है। जैसे कोई एग्जांपल लिखते हैं हम लोग, हमने कहा यहाँ पे मोहन के दिल्ली जाने से पूर्व, देखिए दोस्तों पूर्व कहेंगे चाहे कहेंगे पहले, इसको बोलेंगे हम पूर्व। पूर्व या पहले हमारी दोनों बात एक ही होती है, इन दोनों की इंग्लिश जो होती है बिफोर ही होती है। उसके बाद हमारा हमने कहा मोहन के दिल्ली जाने से पहले सोहन मुझसे मिला था। ये देखिए दोस्तों इतना कर दिया। देखिए हमें बताया गया पीछे भी, आपको बताया अभी कि ये जो है बाद वाला पार्ट करते हैं पहले, इसे करेंगे हम मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में करेंगे, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे। और निगेटिव बनाया तो क्या करेंगे इसके, मोहन के दिल्ली जाने से पहले सोहन मुझसे नहीं मिला था, हम लोग कर देंगे इसको, ये निगेटिव बन गया हमारा मुझसे। तो देखिए दोस्तों पहले करते हैं बाद वाला पार्ट हमारा आएगा यहाँ पर सोहन हैड नॉट, और देखिए हमारा वर्ब क्या है मीट मिस मिलना होता है, मेट मिस होता है मिलना, थर्ड फॉर्म आएगा हमारा मिला। सोहन हैड नॉट मेट, सोहन नहीं मिला किससे, नहीं मिला मुझसे, इसके लिए कहेंगे हम लोग टू मी कहेंगे चाहे कहेंगे मी, दोनों सही है। बिफोर के पहले, किससे पहले, मोहन के दिल्ली जाने से, तो इसके लिए आएगा मोहन। यहाँ पे देखिए दोस्तों ध्यान देना आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगाना, वेंट टू दिल्ली, ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से इसको हम लोग चेंज कर देंगे। तो निगेटिव में कोई दिक्कत नहीं, आपको नॉट कहाँ लगा देना, ला करके सिर्फ नॉट लगाना आपको हाइड के बाद में। तो दोस्तों कोई भी दिक्कत तो कमेंट करिएगा उसके लिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अब इसे कर देते हैं अब यहाँ पर इरेज अभी। देखिए हम लोग पढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, अब इसको बोलते हैं यस या नो टाइप, जिसे कहते हैं हम लोग वाक्य में क्या पहले आए। तो ये देखिए दोस्तों इसमें वाक्य में क्या पहले आएगा, पीछे बताया भी गया आपको, जब कभी भी किसी सेंटेंस में हमारा वाक्य में क्या पहले आएगा तो सबसे पहले उस टेंस की सहायक क्रिया, इसे कहते हैं हेल्पिंग, हमारी हो जाती है बाहर। तो देखिए दोस्तों हमारा हैड यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से इसे कट कर देंगे हम लोग। तो इसके लिए पहले आएगा हैड, उसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, नेगेटिव है तो नॉट हमारा तुरंत सब्जेक्ट के बाद में आएगा, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा वही सेम आएगा, और लास्ट में इसके लिए क्वेश्चन मार्क आएगा। देखिए दोस्तों जब कभी भी वाक्य में क्या मिलता है पहले, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों उस टेंस की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब हमारी सबसे पहले आती है। पहले देखते हैं कोई सेंटेंस यहाँ पर, हमने कहा क्या अध्यापक के कक्षा में जाने से पहले विद्यार्थी वहाँ आ गए थे। ये देखिए क्या अध्यापक के कक्षा में जाने से पहले विद्यार्थी वहाँ आ गए थे। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या तो हमें यहाँ से लेना है, इसके लिए हमारी सहायक क्रिया आएगी, और जो हमारा पीछे वाला जो स्ट्रक्चर हो सबसे पहले किया जाएगा यहाँ पे करेंगे हम लोग, पीछे बताया गया अभी आपको। तो सबसे पहले इसके लिए आएगा हैड, उसके बाद देखिए करते हैं हम लोग यहाँ पर ये क्या विद्यार्थी वहाँ पहुँच चुके थे या आ गए थे। तो सबसे पहले देखिए इसके लिए हमारा सब्जेक्ट आएगा द स्टूडेंट्स विद्यार्थी। अब देखिए क्या लिखा कि आ गए थे कम, या बोलेंगे इसको हम इंटर्ड मिस प्रवेश कर चुके थे कम देयर। ये हैड सब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके अदर वर्ड, फिर हमारा आएगा बिफोर, और फिर हमारा सब्जेक्ट आएगा देखिए स्टार्टिंग से अध्यापक के कक्षा में जाने से पहले बिफोर द टीचर वेंट इन टू द क्लास, कहेंगे चाहे कहेंगे इन द क्लास, इन टू और इन दोनों कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए इन और इन टू में अंतर क्या, देखिए इन जो दिखाता हमारा दिखाता है स्थिरता, और इन टू दिखाता हमारा गतिशीलता। तो देखिए दोस्तों इसमें हम लोग दोनों चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि टीचर जा करके वहाँ पे बैठ भी सकता है, टीचर को जाते हुए भी यहाँ मान सकते हैं, दोनों यहाँ पे कर सकते हैं।
इनटू चाहे इन भी कह सकते हैं हम लोग, इनटू द क्लास। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। तो देखो दोस्तों, जब कभी भी आपको वाक्य में क्या पहले मिले, सबसे पहले इसके लिए हमारा हेड आएगा और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो आपका वो सेम आएगा। देखिए पहले हेड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, अदर वर्ड आ गया, बिफोर आ गया, फिर उसके बाद दूसरा हमारा सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया, उसके बाद हमारा यहाँ पे अदर वर्ड आ गया। तो दोस्तों इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ओनली आपको सिर्फ हेड निकाल देना बाहर, बस सब्जेक्ट के पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा वही सेम रहेगा पहले का तरीका। आगे पढ़ते हैं इसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। देखिए अब लिखते हैं हम लोग प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो प्रश्नवाचक, इसको पहले बोलते हैं हम डब्ल्यू एच टाइप। प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो वाक्य के बीच में आए तो जी। तो देखिए दोस्तों पीछे बताया भी कि आपको जब कभी भी हमारा कोई भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आएगा हिंदी सेंटेंस में, तो इंग्लिश में सबसे पहले इसके लिए हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा वही सेम होता है। देखिए क्वेश्चन वर्ड पीछे बताया गया भी आपको हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, जैसे कहा गया कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये जो होते हैं हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख दिया हमने, हमने कहा बारिश या कुछ और लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, हमने कहा सोनू के मैच खेलने से पहले, सोनू के मैच खेलने से पहले मोनू कहाँ चला गया था, ये कह सकते हैं इसको हम लोग इस प्रकार, चला गया था। तो देखिए दोस्तों इसमें जो हमारा कहाँ, यही क्वेश्चन वर्ड है, पूछने का काम करता है कि हमारा जो सेंटेंस वो क्या पूछने का काम करता है, कहाँ। देखिए जो हमारा कोई भी हमारा वर्ड या शब्द जो कुछ सेंटेंस पूछने का काम करता है उसी को बोलते हैं हम लोग प्रश्नवाचक शब्द, क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। और इंग्लिश में सबसे पहले आता है, इसके लिए पहले आएगा हमारा वेयर। उसके बाद देखिए दोस्तों हमें करना है बाद वाला स्ट्रक्चर ही पहले कर देना ला करके, यहाँ पे कहेंगे वेयर हेड, क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, वेयर हेड मोनू चला गया था गॉन, और किससे पर, देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया, हेड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, फिर उसके बाद आएगा बिफोर, और किससे पहले, सोनू के मैच खेलने से, सोनू। अब देखिए दोस्तों खेलने का यानी सेकंड फॉर्म हमारे यहाँ पे आएगा प्ले से बनेगा प्लेड, और मैच के लिए आएगा द मैच, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए ये तो कुछ भी नहीं करना दोस्तों आपको, बस सिर्फ ध्यान देना क्वेश्चन वर्ड जो होगा हमारा सबसे पहले आएगा इंग्लिश में, और हिंदी हमारा बीच में आता है, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा जो पहले का तरीका वो सेम यहाँ पर आ जाएगा। आगे देखते हैं आठ एग्जाम्पल हम लोग अभी, और इसमें हमने कहा डॉक्टर साहब के आने से पहले मरीज ने क्या खा लिया था। ये देखिए दोस्तों ये बहुत फेमस सेंटेंस है, इसमें फर्स्ट टेंस में हमने कहा डॉक्टर साहब के आने से पहले मरीज ने क्या खा लिया। देखिए दोस्तों क्या खा लिया था हमारे क्वेश्चन वर्ड है, पहले इसके लिए आएगा व्हाट, फिर आएगा हेड, और इसके बाद में देखिए हम करेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग डॉक्टर साहब से, मरीज से करेंगे, मरीज ने क्या खा लिया था। देखिए दोस्तों पीछे बताया गया कि बाद वाला पार्ट जो हम पहले करते हैं, व्हाट हेड द पेशेंट, मरीज क्या किया, खा लिया, इसके लिए आएगा टेकन या कहेंगे मीटन, टेकन या ईटन, और बिफोर किससे पहले, डॉक्टर के आने से पहले, द डॉक्टर केम। दोस्तों सेकंड फॉर्म आएगा बाद वाले में हमारा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये देखिए इस प्रकार से कर देंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बिफोर आ गया, उसके बाद में हमारा बाद वाला पार्ट का सब्जेक्ट आ गया,
वर्ब का सेकेंड फॉर्म आ गया। तो दोस्तों इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप लोग को इसको समझ लीजिएगा, और जो कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आते हैं इसके बाद वाले सेंटेंस में, अब स्ट्रक्चर में इसे कह देते हैं अभी हम लोग इरेज। दोस्तों ये इंग्लिश में सबसे समझ लीजिए इम्पोर्टेंट जो है टेंस है, क्योंकि अक्सर जो होता है सभी लोग इसमें बहुत ज़्यादा ही गलती करते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा आप लोग। देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, नोट लिखते हैं यहाँ पे, वाक्य में बाद आए तो, वाक्य में इसमें आएगा बाद या बोलेंगे पश्चात, आए तो। देखिए दोस्तों इसमें आएगा बाद या पश्चात, इसकी इंग्लिश होती है आफ्टर, आफ्टर मीन्स होता है बाद। तो देखिए इसके लिए हमारा अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर क्या होगा, हमने कहा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा। देखिए दोस्तों अब जो है हमारा जो पहले का स्ट्रक्चर था उसका उल्टा आएगा, सेकेंड फॉर्म पहले आएगा और थर्ड फॉर्म उसके बाद वाले पार्ट में आएगा। सब्जेक्ट आएगा उसके बाद मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म देखिए पहले आएगा, उसके बाद में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद में आएगा देखिए बाद के लिए आएगा आफ्टर, और उसके बाद फिर सब्जेक्ट आएगा और आएगा यहाँ पे हैड, और प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म जो बाद वाले पार्ट में आएगा यहाँ पे हमारा हैड आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ETC फुल स्टॉप। ये देखिए दोस्तों जब बाद आएगा तो एग्जाम्पल देखते हैं कोई भी हम लोग, हमने कहा मोहित के पाठ याद करने के बाद राहुल वहाँ आया था। ये अब देखिए दोस्तों इसमें के बाद आ रहा है, इसके लिए हमारे इंग्लिश में आएगा आफ्टर। हमने कहा मोहित के पाठ याद करने के बाद राहुल वहाँ आया था, तो देखिए दोस्तों सेम इसमें भी करना आपको, बाद वाला पार्ट जो है वो पहले करना आपको। तो देखिए बाद वाला पार्ट पहले करेंगे हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्ट्रक्चर में, और पहले वाला करेंगे हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्ट्रक्चर में, और इस बाद के लिए आएगा आफ्टर। तो पहले करते हैं हम लोग बाद वाला, इसके लिए अगर राहुल, ये सेकेंड फॉर्म में आएगा हमारा क्या है, आया था, केम, राहुल केम देयर, राहुल वहाँ आया था, ये हो गया दोस्तों हमारा। किसके बाद में आफ्टर, मोहित के पाठ याद करने के बाद मोहित हैड, देखिए याद करने के लिए आएगा लर्नड द लेसन, और लास्ट में फुल स्टॉप। देखिए दोस्तों इस प्रकार से कर देंगे, देखिए इसमें कोई भी कठिन चीज़ नहीं है, बस आपको क्या ध्यान देना, जब आफ्टर आएगा तो सेकंड फॉर्म हमारा पहले आएगा और थर्ड फॉर्म दोस्तों हमारा बाद में आएगा। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म देखिए दोस्तों कम केम कम, देखिए हमारा जो थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म हमारा सेम है, और सेकेंड फॉर्म जो होता है हमारा होता है केम, तो यहाँ सेकेंड फॉर्म आएगा राहुल केम देयर आफ्टर, देखिए दोस्तों आफ्टर लगा, आफ्टर मोहित हैड लर्नड द लेसन। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी इसमें, अब इसे कर देते हैं अभी रेज। हमने कहा चपरासी के घंटी बजाने के बाद बच्चे कक्षा में चले गए थे। ये तो पहले करेंगे बाद वाला हम लोग द चिल्ड्रन, सेकेंड फॉर्म आएगा दोस्तों यहाँ पे आएगा वेंट, या कहेंगे हम इंटर्ड वेंट इन टू द क्लास, कहेंगे चाहे इन कहेंगे इन टू द क्लास, इन भी कह सकते हैं, बताया गया पीछे भी आपको क्यों, इन द क्लास आफ्टर द प्यून मीन्स चपरासी प्यून हैड, देखिए रिंग से बनेगा थर्ड फॉर्म इसका हमारा रंग, रंग द बेल, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो देखिए दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं, बाद वाला पार्ट कर देना पहले आपको, पहले वाला पार्ट कर देना है बाद में, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। हम लोग आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, अब देखिए नेगेटिव में कुछ भी नहीं करना आपको, बस देखिए यहाँ पर थोड़ा चेंज करना है इसके लिए हमको, आप लोग
देखिए निगेटिव में दोस्तों जिस प्रकार से आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस में निगेटिव में आएगा, सेम हमारा यहाँ पर भी आएगा। इसलिए सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारा आएगा यहाँ पर डिड, उसके बाद में नॉट आएगा, और प्लस इसमें हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। जब कभी भी डिड आएगा तो हमारा फर्स्ट फॉर्म हमेशा आएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अब इसके एग्जांपल में। निगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं हम लोग। हमने कहा पिता जी के दफ्तर जाने के बाद मोहन नाश्ता नहीं किया था। ये तो देखिए दोस्तों वही करना आपको, सबसे पहले करना बाद वाला पार्ट हमें कर देंगे हम मोहन, अब निगेटिव में आएगा डिड नॉट। अब नाश्ता करने का होता है, देखिए दोस्तों ईट भी कहते हैं, इसे कहते हैं टेक भी हम लोग, हमारा मेन वर्ब नाश्ता करने का है। मोहन डिड नॉट ईट या टेक द ब्रेकफास्ट नाश्ता ब्रेकफास्ट आफ्टर द फादर हैड पिताजी के गॉन टू दफ्तर को बोलते हैं हम लोग ऑफिस, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो देखिए दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं, बस आपको निगेटिव में नॉट कहाँ लगा देना, आपको देखिए ये डिड नॉट हमारा आएगा यहाँ पे, और डिड नॉट के बाद में हमेशा जो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, कभी भी यहाँ पे सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं आएगा। तो दोस्तों निगेटिव में कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आते हैं इंटरप्रेटेड सेंटेंस में। हम लोग अब इसे कर देते हैं अभी हम लोग इरेज, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया, आप लोग समझ चुके हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस या नो टाइप, जिसको बोलते हैं वाक्य में क्या पहले आए। तो देखिए दोस्तों इसमें हमारा वाक्य में क्या पहले आएगा, तो सबसे पहले इसके पीछे बताया गया आपको, जब कभी भी क्या आता तो सबसे पहले सहायक क्रिया आती है, हमारा डिड जो होगा बाहर आ जाएगा, और यहाँ से डिड को हम कट कर देंगे, और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा सेम आएगा, और लास्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। बस एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने कहा यहाँ पे क्या कुत्तों के भौंकने के बाद बच्चा वहाँ से भाग गया था। ये देखिए भाग गया था, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए दोस्तों क्या कुत्तों के भौंकने के बाद बच्चा वहाँ से भाग गया था, पहले करेंगे हम बच्चा वहाँ से भाग गया था, लेकिन सबसे पहले इसके लिए हमारा यहाँ पे इस क्या के लिए आएगा डिड द चाइल्ड। देखिए दोस्तों बच्चा के इसके लिए हमारा आएगा चाइल्ड, द चाइल्ड हमारा वर्ब क्या देखिए रन अवे मीन्स होता है भाग जाना, रन अवे कहाँ से वहाँ से, इसके लिए आएगा फ्रॉम देयर वहाँ से, और उसके बाद में आएगा आफ्टर द डॉग, अब लिखा दे कुत्तों लिखा इसके लिए आएगा डॉग्स बार्क, यहाँ पे आएगा हेड बार्कड। देखिए दोस्तों हेड लगाना भूलिएगा आप लोग, थर्ड फॉर्म आएगा लास्ट में ये। तो डिड आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, अदर वर्ड आएगा, फिर आफ्टर आएगा, उसके बाद में जो कुछ भी रहेगा हमारा पहले का वो पार्ट आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग को कोई भी दिक्कत कमेंट करिएगा, आप लोग पूछने में कोई नहीं, आप लोग पूछ सकते हैं एकदम बिंदास होकर के, सब कुछ बताया जाएगा बढ़िया से आपको हर चीज़। देखिए दोस्तों टाइम कम रहता है हम लोग को बनाने में वीडियो में, थोड़ा सा आप लोग इसको समझ लीजिएगा, जो दिक्कत हो उसके लिए आप कमेंट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोस्तों हम लोग आगे आते हैं, हम लोग अब आते हैं डब्ल्यू एच टाइप में, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो, वाक्य के बीच में आए तो। ये
तो देखिए दोस्तों पीछे बताया गया जब कभी भी हमारा पर्सनल शब्द हमारे इसमें आएगा तो सबसे पहले इसके लिए हमारा पहले यहाँ क्वेश्चन वर्ड आता है और उसके बाद पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा वो सेम होता है। जैसे हमने कहा शीला के खाना खाने के बाद राहुल वहाँ ओ कहाँ बोलेंगे कहाँ गया था। ये देखिए दोस्तों कहाँ गया था, तो देखिए सबसे पहले बताया गया आपको बाद वाला पार्ट ही करना है। पहले इसके लिए क्वेश्चन वर्ड आएगा हमारा दोस्तों, देखिए लिखा है आपने कहाँ लिखा गया ये, तो आएगा वेयर। अब यहाँ पे आएगा डिड, हेड नहीं आएगा, वेयर डिड। सब्जेक्ट आएगा राहुल, अब गया था इसके लिए देखे दोस्तों फर्स्ट फॉर्म हमारा आएगा गो, तो वेयर डिड राहुल गो। देखे दोस्तों आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म नहीं लगाना डिड के साथ में। वेयर डिड राहुल गो आफ्टर के बाद में आएगा, किसके बाद में, शीला के खाना खाने के बाद, शीला शीला हैड ईटन द फूड, सकेंगे टेकन द फूड, कोई दिक्कत नहीं, ईटन द फूड। और देखिए दोस्तों सेंटेंस को देखते हैं इसको हम लोग, लिखा गया राहुल के मैदान में पहुंचने के बाद वहां कितने बच्चे आ गए। देखिए दोस्तों पीछे बताया गया आपको जब कभी भी हमारा कितना कितने कितने आएगा तो उसके लिए सबसे पहले हमारा देखते हैं यहाँ पे हाउ मेनी और हाउ मच आता है। दोस्तों सब पिछली वीडियो में बढ़िया पढ़ाया गया आपको, जाकर के उसको देख लीजिएगा बढ़िया से आप लोग। देखिए हाउ मेनी हमारा वहाँ आएगा जहाँ पर चीज़ों को हम लोग काउंट कर सकते हैं, कहने मतलब हमारे आएगा काउंटेबल नाउन के साथ में, और हमारा हाउ मच आएगा अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, काउंटेबल। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि हमारा जो हाउ मेनी और हाउ मच होता है अपना नाउन प्रोनाउन जो इसके बाद में आता है कितना कितने के, हमेशा लेकर के चलता है साथ में, कहने का मतलब हमारा इसका नाउन जो आता है यहाँ पे साथ में आता है। तो जिन चीज़ों को हम लोग गिन पाएंगे उसके लिए हाउ मेनी, जिसे नहीं गिन पाएंगे उसके लिए हमारा हाउ मच। तो देखते हैं इसको दोस्तों हम लोग, अब लिखा गया हमारा राहुल के मैदान में पहुंचने के बाद वहाँ कितने बच्चे आ गए थे। तो देखिए दोस्तों पहले करेंगे हम बाद वाला पार्ट, वहाँ पे कितने बच्चे आए थे उसके लिए हमारा हाउ मेनी चिल्ड्रन। ये देखिए दोस्तों ये पूरा पूरा करके बन गया हमारा क्वेश्चन वर्ड, हाउ मेनी चिल्ड्रन डिड आएगा, हाइड नहीं आएगा डिड। अब यहाँ पे कम देयर, वहाँ कितने बच्चे आ गए थे, आफ्टर के बाद में, किसके बाद में, राहुल के मैदान में पहुँचने के बाद में, तो राहुल हैड रीच्ड इन द फील्ड। ये तो दोस्तों इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है आप लोगों को, हाउ मेनी और हाउ मच जाकर के पिछले वीडियो में देख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। यदि कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें आप लोग को। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड आ गया दोस्तों हमारा, उसके बाद में डिड आ गया, फिर हमारा इसमें देखिए सब्जेक्ट नहीं, क्योंकि इसमें हमारा सब्जेक्ट जो है पूरा ख़त्म हो गया, इसके लिए इसको हम यूज नहीं करेंगे, सब्जेक्ट मान लेते हैं करके सिर्फ खास करके हम इसी को ही। तो क्वेश्चन वर्ड डिड आ गया, उसके बाद में हमारा यहाँ पे देखें दोस्तों मेन वर्ब का हमारा फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद में हमारा अदर वर्ड आ गया, आफ्टर आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया बाद वाले पार्ट के लिए हमारा हाइड आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, देन हमारा यहाँ पे अदर वर्ड आ गया। आगे देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल को उसके, देखिए दोस्तों खास करके हम लोग पीछे बताया गया था जो हमारा कौन होता है उसमें सबको दिक्कत होती है, तो उसे बता देते हैं आज एग्जाम्पल। अभी हम लोग हमने लिखा बच्चों के फुटबॉल खेलने के बाद वहाँ कौन आ गया था। ये देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों जब कभी भी आपको सेंटेंस में कौन मिलेगा तो आपको इस सूत्र के हिसाब से नहीं करना, स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको करना है इसके अनुसार से हु, उसके बाद में आएगा। देखिए दोस्तों जब कभी भी हमारा किसी भी सेंटेंस में हु आता है तो उसके साथ में सहायक क्रिया कभी भी नहीं आती, सीधे हमारा तुरंत वर्ब आएगा, तो इसके लिए हमारा आएगा मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, उसके बाद में हमारा आएगा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद में आएगा आफ्टर, फिर हमारा सब्जेक्ट दूसरा पार्ट का आएगा, उसके बाद में आएगा यहाँ पे हेड, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो कुछ भी आएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। देखिए दोस्तों इसको करेंगे इस प्रकार से, जब कभी भी सेंटेंस में कौन मिलेगा तो उसके लिए कभी भी आप लोग स्ट्रक्चर मत देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ काटना पीटना पड़ता है, थोड़ा टफ पड़ता है आप लोग को, तो उसके लिए देखिएगा आप लोग स्ट्रक्चर वाला। सबसे पहले देखिए इसमें दोस्तों हमारा हु मीन्स होता है कौन आएगा हमारा,
ये कौन आएगा, उसके बाद में कौन कहाँ लिखा है, लिखा हु आएगा, उसका देखे तुरंत हमारा आएगा केम, और कहाँ पे वहाँ हु केम देयर आफ्टर, किसके बाद में, बच्चों के फुटबॉल खेलने के बाद, चिल्ड्रन हैड प्लेड फुटबॉल। तो देखिए दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जब कभी भी कोई दिक्कत तुरंत कमेंट करिएगा। तो दोस्तों और अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।